हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बात आज होगी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिकल एंड बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर, जिसके कॉन्सेप्ट को अभी हमने समझा है। जो मैंने अभी आपको क्लास में बताया था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आर शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर व्हाइल बूलियन लॉजिकल्स आर नॉट शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, तो देखते हैं इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ इसको समझते हैं। तो यहां पर एज यूजुअल अभी हम सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे, क्योंकि इनिशियल लेवल की जितनी भी प्रोग्रामिंग है अभी हम उसके लिए कोई भी आईडी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने सिंपली एक क्लास बनाई टेस्ट ऑपरेटर के नाम से, सपोज ओके, एंड इनसाइड दिस विल सिंपली राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस, ओके। एंड देन आफ्टर यहां पर अब देखिए आप, यदि मैं एक स्टेटमेंट जो अभी हमने क्लास में देखा था कि यदि मान लो मैंने स्टेटमेंट लिखा इंटीजर ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5, कॉमा सी, है ना। स्टेट वन में हम देखते हैं पहले बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर एंड के बारे में। तो हमने स्टेटमेंट क्या देखा था, सी इक्वल टू प्लस प्लस ए, सपोज मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 15 एंड एंड प्लस प्लस बी ग्रेटर देन सपोज 10, ठीक है। तो इट डजंट मैटर कि मेरी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि बॉस ये जो ऑपरेटर है ये आपको जो वैल्यू रिटर्न करके देगा वो ट्रू या फॉल्स इवेल्यूएशन के हिसाब से देगा। तो आप देखिए, यदि मैं यहां पर प्रिंट करता हूं ए की वैल्यू जो कि मेरी फर्स्ट वैल्यू है, देन बी की वैल्यू जो कि मेरी सेकेंड वैल्यू है, एंड देन हमारा सी जो है इसको हमें लेना पड़ेगा बुलियन, या इसको हम ले लेते हैं एक्स, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था हम उसको चेंज नहीं करते हैं, बुलियन एक्स वेरिएबल, ठीक है। और ये मैंने यहां लिख दिया x इक्वल टू दिस, ठीक है, एंड आई जस्ट सिंपली प्रिंट द वैल्यू। तो क्या कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि यदि प्लस प्लस a 11 ग्रेटर देन 15 दैट इज फॉल्स, और यदि ये फॉल्स है इसका मतलब है आपका प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा था, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है। तो इसका मतलब है जो वैल्यूज मुझे मिलेंगी वो मिलेंगी 11, 5 और फॉल्स, ना कि 11, 6 और फॉल्स, राइट। तो चलिए देखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं हम टेस्ट ऑपरेटर डॉट जावा के नाम से, और ये हमने अभी सेव किया है सी ड्राइव में, मैंने अपना एक फोल्डर बनाया है माय जावा के नाम से। और आई होप आप प्रीवियस लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, जहां पर मैंने अभी आपको बताया है कि एज अ बिगिनर एज ए इनिशियल हम एटलीस्ट 20 प्रोग्राम सभी नोटपैड पे बनाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलूंगा एडिटर पे, जहां पर हम बात करेंगे नेटबीन्स की, VS Code की, Eclipse की, ओके। लेकिन इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा हैंड फ्री हो जाएं, हम थोड़ा सा रूबरू हो जाएं जावा के साथ से, या कि हम जावा से फैमिलियर हो जाएं। तो मेरा ये मानना है कि आप इनिशियल लेवल की प्रोग्रामिंग हमेशा नोटपैड से शुरू करें, और यही मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी कई बार बोलते हुए आया हूं। तो चलिए देखते हैं यहां पे इसको रन करके। तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, और इस कमांड प्रॉम्प्ट में अब मुझे अपना ये प्रोग्राम कंपाइल और रन करके देखना है, ठीक है। तो इस कमांड प्रॉम्प्ट को हमने थोड़ा सा साइज मैक्सिमाइज कर दिया है, ओके। एंड नाउ आई विल मूव टू द माय फोल्डर दैट इज सी ड्राइव एंड माय जावा, ठीक है। और मैं इसको कंपाइल करता हूं जावा सी टेस्ट ऑपरेटर। आप एक बार dir कमांड से देख भी सकते हैं कि आपके प्रोग्राम सारे आ चुके हैं, यस दिस इज टेस्ट ऑपरेटर डॉट जावा। तो मैं सिंपली इसको कंपाइल करता हूं cls दिस इज जावा सी टेस्ट ऑपरेटर डॉट जावा, ठीक है, एंड देन आई विल कंपाइल इट जावा टेस्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो लेट्स सी 11 5 एंड फॉल्स, ना कि 11 6 और फॉल्स, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है दिस इज अ शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। तो क्या हुआ, समझ में आया, उसने पहली कंडीशन चेक की 11 ग्रेटर देन 15 दैट इज फॉल्स, फॉल्स पर उसने नेक्स्ट कंडीशन चेक ही नहीं करी। लेकिन अगर मैं इसकी जगह सिंगल इक्वल टू यूज करता हूं, राइट, जो कि हमारा बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर है और ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, तो ये पहली कंडीशन फॉल्स पर भी नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, सो दैट आई विल गेट द आंसर 11 6 एंड फॉल्स, राइट। सो लेट्स सी, अगर मैं इसको कंपाइल करता हूं और अगर मैं इसको रन करता हूं आई विल गेट 11 6 एंड फॉल्स। तो आई होप ये डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं कि आपको लॉजिकल और बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर कब यूज करना है। देखिए, अब जहां आपके लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको फाइनल ट्रू या फॉल्स रिजल्ट पे अपना एग्जीक्यूशन करना है जो कि आगे होगा, राइट, तो वहां पर आपके लिए लॉजिकल ऑपरेटर ज्यादा बेटर है। और जहां आपको लगता है कि नहीं सर, मुझे तो रिजल्ट के साथ साथ अपने एग्जीक्यूशन को भी लास्ट तक लेके जाना है, तो वहां पर हम बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करेंगे, राइट।
सिमिलर वे में आप देखो, ये तो चलिए मैंने एंड की बात की, यदि मैं और लिखता हूं और ये कंडीशंस को मैं रिवर्स कर देता हूं, नाउ इट्स प्लस प्लस ए और प्लस प्लस बी ग्रेटर देन 10, राइट? तो प्लस प्लस ए लेस देन 15, दैट इज व्हाट 11 लेस देन 15 फॉल्स, और को कितने फॉल्स चाहिए, एक। तो यहां पर भी आपका प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आई होप आप इस लेक्चर के पहले थ्योरेटिकल लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, क्योंकि सीक्वेंस से ही आप जावा प्रॉपर सीख पाएंगे, ये मैं डे वन से आपको बोल रहा हूं, ठीक है? क्योंकि यहां मैं आपको केवल कोड एग्जीक्यूशन बता रहा हूं, अभी हमने क्लासरूम में इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझा है। सो यदि मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूं, सो दैट इज व्हाट 11 लेस देन 15, दैट इज ट्रू। और अगर ये और लॉजिकल और है तो ये बी का इंक्रीमेंट नहीं होगा, सो अगेन आई विल गेट द आंसर 11 5, ठीक है? बट द रिजल्ट इज ट्रू, 11 5 एंड ट्रू। सो लेट्स सी, देखिए आप इसको एग्जीक्यूट करके इसको मैं हटा देता हूं, एंड आई जस्ट सेव दिस प्रोग्राम एंड कंपाइल दिस। ये देखिए 11 5 एंड 2। और यदि मैं यहां पर और को सिंगल कर देता हूं तो अब ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये इस स्टेटमेंट के ट्रू के बावजूद भी नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो मुझे आंसर मिलेगा 11 6 एंड ट्रू, ठीक है? 11 6 एंड ट्रू, ठीक है? ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन और को एक कंडीशन तो ट्रू मिली है ना, ओके? सो लेट्स सी 11 6 एंड ट्रू मुझे किस तरीके से मिलेगा, लेट्स सी। ये देखिए आप क्या आंसर मिला मुझे, 11 6 एंड ट्रू। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दिस लॉजिकल एंड बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर, की आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कहां पर क्या है। मतलब प्रोग्रामिंग में जहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे केवल रिजल्ट चाहिए, वो ट्रू है फॉल्स है दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन मुझे केवल रिजल्ट ओरिएंटेड कोड लिखना है तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप बजाय बुलियन लॉजिकल के आप लॉजिकल ऑपरेटर को प्रेफरेंस दें। और जहां आपके लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रिजल्ट के अलावा कोड एग्जीक्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर आप बुलियन लॉजिकल को प्रेफरेंस दीजिए ताकि आपका कोड लास्ट तक एग्जीक्यूशन करे, गॉट इट? तो ये भी हमने देखा लॉजिकल और बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल एंड एंड सिंगल एंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल और एंड सिंगल और, मतलब डबल और इन द सेंस दोनों ही और ऑपरेटर हैं, लेकिन जब हम डबल पाइप का साइन लिखते हैं तो ये लॉजिकल और है, और जब मैं सिंगल पाइप का साइन लिख रहा हूं तो ये बूलियन लॉजिकल और, दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ऑपरेटर, ओके? तो ये लॉजिकल एंड, ये बुलियन लॉजिकल एंड, ये लॉजिकल और ये बुलियन लॉजिकल और। डिफरेंस एक बार फिर बता देता हूं, लॉजिकल एंड ट्रू इवेल्युएटेड ऑपरेटर है, मतलब अगर इसको ये ट्रू कंडीशन मिलेगी तो नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा, ठीक है? देखिए आप, अब इस केस में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, गेस व्हाट इज द आउटपुट, आप वीडियो पॉज करके सोचिए। यहां पर प्लस प्लस ए 11 लेस देन 15 ट्रू है, तो ये बाकायदा नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए क्योंकि पहली ट्रू है, राइट? तो ये ट्रू इवेल्युएटेड ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड जो है ये ट्रू इवेल्युएटेड है, मतलब कहने का ये कि एंड तो एंड तक चलेगा, लेकिन डबल एंड नेक्स्ट कंडीशन को तब चेक करेगा जब उसको पहली ट्रू मिलेगी, इफ फर्स्ट वन इज फॉल्स देन इट विल नॉट चेक द नेक्स्ट कंडीशन, राइट? तो यहां पर ये कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट को चेक करेगा, क्योंकि प्लस प्लस बी दैट इज 6 एंड 6 ग्रेटर देन फॉल्स, रिजल्ट इज फॉल्स, सो आंसर आपको मिलेगा 11 6 एंड फॉल्स। लेट्स सी, ये देखिए आप 11 6 एंड फॉल्स। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा यदि हमें जावा में स्टेप आगे लेनी है। तो यहां पर आपको लॉजिकल बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, एंड, और जैसे मैंने आपको कहा था कि यही एंड अभी हमें बिटवाइज के फॉर्म में भी मिलेगा, ये जो सिंगल एंड और सिंगल और है दैट इज एक्चुअली ओवरलोडेड ऑपरेटर, इसको अभी हम बूलियन लॉजिकल बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं बिटवाइज पढ़ाऊंगा तब मैं इसी ऑपरेटर को बिटवाइज एंड भी बोलूंगा, ये बिटवाइज और ऑपरेटर भी है। तो बिटवाइज के लिए इनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो जब हम बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन आई होप ये अभी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि किस तरीके से एंड और अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं, राइट? तो आई होप स्मॉल लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि किस तरीके से लॉजिकल और बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स को हमें फ्यूचर में प्रोग्रामिंग में यूज करना है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।